भगवान की सबसे सुंदर क्रिएशन की अगर हम बात करें ना, तो वो आप खुद हैं, है ना आप? देखिए, जिस दिन आप अपने आप को भगवान की क्रिएशन में ना सबसे खूबसूरत मानने लग जाएंगे, यकीन मानिए, फिर ना जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और इससे खूबसूरत ना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने आप को जब आप वक्त देने लग जाएंगे ना, याद रखिए, बेस्ट मोमेंट लाइफ का होता है ना जब ये वाली ये वाली स्माइल ना आपके चेहरे पर होती है। तो इस स्माइल के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को वक्त देना पड़ता है, अपने आप को ना थोड़ा सा सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। आज ना हम लाइफ से ना टेंशन को छूमंत्र करने हैं। कई बार ऐसा होता है ना, जब जिंदगी में हम लोग बहुत थक जाते हैं, अब लगता है ना कि इसके आगे कुछ नहीं है। अगर हम यंगस्टर्स को लें, वो कोई पेपर देते हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो लोग प्रिपेयर होते हैं, और अब उन्हें लगता है ना कि ये उनका लास्ट अटेम्प्ट है और अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि हम नहीं कर पाएंगे। वो बस हमारी ना एक अंदर की एंग्जाइटी होती है कि हम नहीं कर पाएंगे। हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। बस उस एंग्जाइटी को ना हमने कम करना सीखना है। तो चलिए आज हम ट्राई करेंगे उस एंग्जाइटी को भगाने के लिए जब हमारे पेपर्स और एग्ज़ाम चल रहे होते हैं। जब भी कभी हमें लगे कि हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, हमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो आई थिंक यू क्लोज योर आईज फॉर अ सेकेंड और 60 तक अंदर काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 60। और जब 60 हो जाए ना, देखिए आप कितनी रेस्ट वाली सिचुएशन में आ गए होंगे। तो अपने आप को रेस्ट देने के लिए ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंग्जाइटी को कम करना और मुस्कुराना। देखिए, जो चीज़ आपको अपनी लाइफ में ना सबसे अच्छी लगती है, वो कुछ भी हो सकता है, वट एवर। किसी को म्यूज़िक पसंद होता है, किसी को पार्टीज़ पसंद होती है, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को खाने में कुछ पसंद होता है, किसी को पीने में, ड्रिंक्स में आपको कुछ पसंद होता है, कोई भी ड्रिंक्स, मतलब वट एवर यू लाइक, हैव इट। आधा एक घंटा अपनी लाइफ में ना अपने आप को दीजिए। अपने आप को जब आप वक्त देने लग जाएंगे ना, याद रखिए, बेस्ट मोमेंट लाइफ का होता है ना जब ये वाली ये वाली स्माइल ना आपके चेहरे पर होती है। तो इस स्माइल के लिए ना थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को वक्त देना पड़ता है, अपने आप को ना थोड़ा सा सजाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड बात ये है कि जब लाइफ में ना, मैंने कहा कि हंसते और मुस्कुराने की आदत के लिए ना आपको प्रैक्टिस देनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आप तब कर सकते हैं जब आप अपने आप से बातें करें। अपने आप से कैसे बातें कर सकते हैं? देखिए, कोई भी चीज़ जो आपके सामने है, आपका आपका फ़ोन का मिरर, आपका अपना मिरर, उससे ना आप एक बात ज़रूर कीजिए। देखिए, अपनी नाक, अपनी आँख, अपने होंठ, अपने चीक्स, हर किसी को निहारिए अपने आप में। आपने कभी अपने आप को निहारा है? अपने आप को ना गौर से देखिए एक बार कि भगवान की कितनी खूबसूरती से बनाई गई वो मूर्ति है आप, जिसको आप संभाल के नहीं रखते। आप ना अपनी सबसे एक्सपेंसिव चीज़ को, मान लीजिए अपनी गोल्ड ज्वेलरी हो गई या कोई भी एक्सपेंसिव चीज़, आप कहाँ संभाल के रखते हैं, आप मुझे बताएंगे? आप उसे ना बहुत अच्छे से संभाल कर रखते हैं। तो उसी तरीके से गोल्ड की चीज़ को जब आप बहुत आराम से संभाल के रखते हैं, बिल्कुल ऐसी जगह पे रखते हैं कि उसे कोई देख ना पाए, चुरा ना सके, तो जब भगवान ने आपको इतना अच्छा और इतना खूबसूरत बनाया, तो आप अपने आप को संवारने में, अपने आप को और एक्सपेंसिव बनाने में, अपने आप को और खूबसूरत बनाने में आप टाइम क्यों नहीं देते हैं, है ना। तो मैं आज आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि भगवान की सबसे सुंदर क्रिएशन की अगर हम बात करें ना, तो वो आप खुद हैं, है ना आप? देखिए, जिस दिन आप अपने आप को भगवान की क्रिएशन में ना सबसे खूबसूरत मानने लग जाएंगे, यकीन मानिए, फिर ना जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। और इससे खूबसूरत ना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप जिंदगी में
सबसे खूबसूरत है। तो चलिए अब शुरू होता है हमारा सबसे प्यारा सेगमेंट, वो है पोएम सेगमेंट। मेरे साथ ना रह रहकर ना आप लोग भी सीख गए होंगे कि पोएम सेगमेंट मेरा सबसे फेवरेट। तो चलिए, जब जब हम टकराते हैं, गिरते हैं, तब ना कोई हमारे पास नहीं होता, तब हम अकेले होते हैं, अपने दुख दर्द में अपने दुख को बांटने वाले सिर्फ हम होते हैं। ऐसे दुख में जब कोई साथ हो हमारे तो कैसा लगेगा? तो ऐसे दुख दर्द में साथी ऐसे अपने होते हैं जो बिना कुछ कहे समझते हैं, हमारे मौन की भाषा भी सिर्फ वही समझते हैं। जाने अनजाने क्यों वो अनजान हो जाते हैं, हमारी भाषा को हम ही नहीं समझ पाते हैं। समझाते हैं मन को, बताते हैं मन को, कितने कितने गम हैं हमारे जो हम सिर्फ अपने पास रखते हैं। उन गमों में गमों को संभालना होगा हमें, अपने पास अपने साथ अपने जीवन को यूं ही रखना होगा। मोती सा जीवन लड़ियों में रह जाएगा, प्यार मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास रह जाएगा। जब आप ना अपने आप से प्यार करना सीख जाएंगे, सिर्फ अपने आप से, याद रखिएगा, अपने आप से प्यार करने से बड़ा ना कुछ नहीं होता है। जब आप अपने आप को संवारना सीख जाएंगे, अपने आप को निहारना सीख जाएंगे, उससे बेहतर और अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो लास्ट लाइन, बेहद प्यार कीजिए खुद से, खुद से ज़्यादा प्यार कीजिए खुद को। ईमानदार हैं आप, अपनी ईमानदारी से अपने आप को प्यार कीजिए। मोहब्बत पैगाम सब देगी, बस अपने आप से मोहब्बत कीजिए। टिल देन गुड बाय, जल्द मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्यार दीजिए मुझे ढेर सारा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आर जी आची सुकून।